अच्छा ये बताएं कि क्या चल रहा है आजकल, क्या काम कर रही है? जो सोशल मीडिया का होता है, सोशल मीडिया पे लोगों को इग्नोर करने के अलावा और क्या काम कर रही है? इग्नोर किसको किया है ऐसा? तो मैंने कभी नहीं, वो लोग जो आपको बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, आपने काफी ज्यादा उसके ऊपर अपने फेसबुक पेज पे आपने वीडियोस भी किए उसके हवाले से। और ट्रोलिंग तो लोगों का काम है, और सोशल मीडिया पे तो ट्रोलिंग ना हो तो फिर आप उसको सोशल मीडिया तो नहीं कह सकते ना। आपके पास एक लाइव प्लेटफॉर्म होता है लोगों के पास, फौरन से आपको क्विक रिस्पांस मिलता है वहाँ पे कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वीडियो या पिक्चर लगाते हो तो आपको, वो कहते हैं ना, मिनट्स में भी नहीं, सेकंड्स में आपको रिस्पांस मिलने लग जाता है लोगों का। तो सोशल मीडिया है ही ट्रोलिंग के लिए बना। तो अच्छा, वो आपने जो एक इंटरव्यू किया था हिना परवेज भट्ट साहब का, तो उसमें आपने पैंट शर्ट पहनी थी और उसमें एक सोशल मीडिया सारिफ ने कहा कि इसको ठंड नहीं लगती। वाकई में अरुसा खान को ठंड नहीं लगती? नहीं, उस दिन धूप निकली हुई थी और मैंने जो स्वेट पहनी हुई थी वो गर्म था, और जो मैंने नीचे जीन्स पहनी थी वो भी गर्म थी, तो वो अगर उसके ऊपर, तो उस दिन धूप निकली हुई थी, मौसम अच्छा था, तो मैंने लिया भी नया था, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। तो नहीं लगती है सर्दी, बट कोई नहीं, हो जाता है कवर। फैशन के आगे तो कुछ भी नहीं है। इन्हीं, वो तो बनना संवरना लड़कियों का हक है। अच्छा अरुषा, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर एक बच्चा है जिसमें एक छोटी सी बगावत है? बच्चा तो हर इंसान के अंदर होता है, बाज लोग उस बच्चे को सुला देते हैं, और लेकिन मर्दों में तो नहीं सोता बच्चा, मर्दों में तो हमेशा रहता है। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, तो मर्दों में बच्चा हमेशा रहता है, और वो बच्चा उनका जागता है जब मेरी पिक्चर से। लेकिन खैर मजाक के अलावा बात है, हाँ बिल्कुल खुश रहना चाहिए, और खुश रहने के लिए आपको बच्चा तो बनना पड़ता है। रही बात बगावत की, तो मेरे ख्याल से कि हर अपने हक के लिए आवाज उठाना और अपने सही हक के लिए आवाज उठाना, उसको बगावत तो मैं नहीं कहूंगी। बाज लोग होते हैं जो आपकी उस आवाज को दबाने के चक्रों में होते हैं, और वो लोग होते हैं जो आपको शायद या तो आगे बढ़ता नहीं देख सकते, या फिर उनको लगता है कि शायद हम जो काम करने लगे हैं वो हमारी सोसाइटी के या हमारे मुआशरे के खिलाफ है, हमारे या फिर वो जो करना जो वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, और या जो या फिर ये हो सकता है कि वो चाहते नहीं कि आप जो है ये करें, क्योंकि उनको ये लगता है कि या उनके दिल में या उनके अंदर उनके मन में एक खौफ होता है कि शायद ये करेगी तो लोग क्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल से कि वो जो है ना कि लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग आपको उस चीज से उस चीज से डर रहे होते हैं, तो उससे बचाने के लिए आपको रोकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते तो इस वजह से आपको रोक रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से कि अपने हक के लिए आवाज उठाना और अपने सही जो कि जायज है उसके लिए आवाज उठाने पे आपको अगर बगावत करनी पड़े तो मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह के प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है, बहुत से लोग हैं जिनमें जो है ना मुनाफ़त बहुत ज्यादा होती है, हमारे शब्द में मुनाफ़त ही है, हमारे सामने कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं। हमारा मुल्क भी मुनाफ़त से भरा हुआ है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि जितने ज्यादा मुनाफिक हम कौम है, मैंने उस दिन गई थी मॉर्निंग शो में गई सिद्रा इकबाल के, वहां पे तो मैंने यही बोला था कि जितने मुनाफिक कौम हम है शायद कोई और होंगे, तो क्योंकि हम वो ट्रोलिंग जो है वो यही मुनाफ़त ही तो है सारी, कि आपको सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल कर रहे होते हैं लेकिन जब आप उनके सामने जाते हैं तो वही लोग कह रहे होते हैं सेल्फ। अच्छा, वही मैं पूछना चाह रही थी कि मुनाफ़त क्योंकि बहुत ज्यादा है हमारे प्रोफेशन में, तो सोशल मीडिया पे तो लोग कहते हैं कि अरुषा आप बहुत छोटे कपड़े पहनती है। हालांकि मैं जितना जानती हूँ अरुषा जैसी सामने नजर आती है ना, आप बाद में भी अरुषा से बैक कैमरे के भी मिलेंगे ना, तो अरुषा बिल्कुल वैसी ही है। मतलब ये मैं शायद इसलिए कह सकती हूँ कि मैं जितनी लड़कियों से मिली हूँ मीडिया की, खास तौर पे लड़कियों से और एंकर से, सामने कुछ और होती है और बाद में कुछ और होती है, लेकिन अरुषा जो सामने है बाद में भी वही अरुषा है, बिल्कुल वही। तो अगर सामने सामने कोई आपको नहीं कहता, बाद में कोई सोशल मीडिया पे कहता है कि अरुषा तुम बहुत कपड़े छोटे कपड़े पहनती हो, तो क्या रिएक्शन होता है? मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, मैं ऑन कैम भी उतने कपड़े पहनती हूँ, मैं ऑफ द कैम भी उतने ही कपड़े पहनती हूँ। अगर मेरे में मुनाफ़त होती तो मेरे ख्याल से कि मैं सोशल मीडिया पे या कैम पे आके ना तो मैं हाजन बनी होती, जो कि लोग नहीं है, जो लोग ये प्रिटेंड करते हैं ना कि हम हाजी हैं, तो हाजी साहब से अगर मुझे कुछ और याद आ गया, लेकिन मैं उस हाजी की बात ही करी,
तो मैं जो ऑन कैम हूँ मैं ऑफ कैम भी वही हूँ, तो मेरी मर्जी है यार, मैं कपड़े पहन रही हूँ ना, आप लोगों को क्या मसला है, सिंपल सी बात है। अच्छा अरुषा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है काम करने के बाद, कभी अरुषा ने शीशे के सामने खड़े होके खुद से बातें की? नहीं, मैं शीशे से खुद से बातें नहीं करती। हाँ, काम करने के बाद जब मैं शीशे के सामने जाती हूँ, जब मैं देखती हूँ यार मेकअप खराब हो गया तो मैं रिमूव करती हूँ। मैं सिर्फ ये काम करती हूँ शीशे के सामने जाके, मैंने कभी खुद से बातें नहीं की, वैसे कर लेती होती हूँ लेकिन शीशे के सामने खड़ी होके नहीं की, शीशे के सामने खड़े होके नहीं की। अच्छा, कभी डिप्रेस हूँ तो क्या करती है? जब मैं डिप्रेस होती हूँ तो मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ, मैं दोस्तों में उठना बैठना शुरू कर देती हूँ, और मैं उन दोस्तों में उठना बैठना शुरू करती हूँ जिनके साथ मुझे बैठ के या जिनसे बात करके मुझे खुशी होती है, और जिनको मुझे पता होता है कि यार ये लोग मुझे हंसाएंगे। तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं तो मैं लोगों में मैं सोशलाइज थोड़ी सी हो जाती हूँ, लेकिन सोशलाइज इस तरह से नहीं कि मैं बाहर रेस्टोरेंट्स पे या इस तरह, मैं अपने जो मेरे सर्कल क्लोज फ्रेंड्स का है मैं उसमें थोड़ा सा आना जाना ज़्यादा कर देती हूँ, उनसे बातचीत बढ़ा देती हूँ। So it's a way of depression जो कम आप कर सकते हो, या फिर मैं किसी टूर पे निकल जाती हूँ। रिसेंटली आपकी ही तस्वीर के ऊपर एक जो है वो मसाज सेंटर जो है वो अपनी प्रमोशन कर रहा था। अच्छी खासी पैसे आ गए। ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मसाज सेंटर जो है वो आपकी तस्वीर की प्रमोशन पे चल रहा है? हुआ ये था कि मैं सुबह, चूंकि जाहिर सी बात है नमाज के लिए उठी, तो 6:30 से 7 के दरमियान में 7 बजे दोबारा लेटी हूँ बिस्तर पे, तो हमारी आदत होती है फोन चेक करने की। मैंने फोन चेक किया तो मुझे 3-4 यूट्यूबर्स और कुछ अन्य नंबरों से ना कुछ लिंक्स शेयर हुए हुए थे, और कहा गया था कि इस पे आप ना एक्शन लें। मैंने कहा पता नहीं ऐसे क्या है कि जो लिंक ये शेयर हुए हैं और इस पे किया हुआ है, मैंने उसको ओपन किया तो वो आगे से वो एक सारा प्रोसीजर था कि आपके, मैंने लिंक को क्या, पहले मैंने इसको फेसबुक पे स्क्रीनशॉट लेके लिखा कि इसको रिपोर्ट करें, फिर मुझे एक दो लोगों ने मशवरा दिया कि नहीं करो आप, इस पे एक्शन लेते हैं। फिर मैंने अपने ऑफिस में बॉस को मैंने भेजा, उन्होंने इस पे सारी वो कार्रवाई करवा के, तो खैर वो पकड़े गए, अब FIA की कार्रवाई चल रही है। मेरे ख्याल से कि ये बड़े लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया बिकॉज ऑफ ये बोल्ड स्टेप था, लड़कियाँ नहीं लेती इस पे एक्शन, सीरियस नहीं लेती या फिर डर के मारे या फिर ये कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल से कि ये एक लोगों ने क्या कह रहे हैं, लोगों ने तो जो कहना है वो कहेंगे सास की ना, लोग लोग तो ये कहते हैं सास की हमारी मर्जी से, लोगों के हाथ में हो ना तो वो जो खुदा की जात एक रिस्क देती है ना, लोगों के हाथ में ये होता ना वो भी तकसीम ना करें, वो भी अपने पास ही रखें। अरुषा, तुम अक्सर माशाल्लाह नजर आती हो उनके साथ, इकरार हसन साहब के साथ, वसीम बदामी के साथ, यासिर शामी के साथ, ये बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? यासिर और इकरार के साथ, वसीम के साथ भी अच्छी है बट वो यहाँ पे होते नहीं है, वो कराची होते हैं तो उनके साथ वो एक मिलना जुलना कम होता है, बट इकरार के साथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद यासिर के साथ है, तो उसके बाद बदामी के साथ। अच्छा, तो अरुषा खान गुनगुना भी लेती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बुरी आवाज है। मैं इकरार हूँ लसन यासर शमी थोड़ी हूँ जो मैं गुनगुना भी लूंगी, माशाल्लाह से वो गुनगुनाते हैं अच्छा, मैं नहीं गुनगुनाती। तो शेर व शायरी? मुझे शेर याद नहीं रहते, मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, हाँ, मैं मुझे शेर व शायरी पसंद है, मेरी अक्सर पोस्टों पे होती है, बट मैं मेरे जहन में रहता है। एक शेर मुझे याद है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो भी मेरे ख्याल से भी जेन से निकल गया। चले रहने दे। अच्छा, ये बताएं कि अरुषा शादी कब कर रही है? यार ये एक वो सवाल है कि जो मुझसे हर प्लेट जहाँ भी आ गई ना दिमाग अटक जाता है, लेकिन मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह मैं इस साल में कर लूंगी, इस साल में कर लेंगे, इस साल में मैंने कर खड़का दे दी है शादी, मैंने कर देनी कर लेनी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हो गए ना, पाकिस्तान में अब रहना बनता नहीं है। लड़का मिल गया? नहीं, कुछ ढूंढना हुआ है। अच्छा, ये बता दें कि उसके नाम का पहला एब्रीविएशन बता। ये नहीं बताना। नहीं, ये बता दिया तो राज खुल जाएगा। ये राज खुल जाएगा। बेसिकली बस हो जानी है इस साल, लेकिन मैं शादी वो उस तरह से नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा वो इस साल वो सलमान खान की तरह जो है वो अगस्त का महीना या फिर नहीं, पहले मैंने सोचा था फेब में कर लूं 14 फरवरी को। अच्छा, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, टैक्स लग गए। अच्छा। अब सी कब करती हूँ, लेकिन ये है कि मजाक के अलावा इस साल मैं कर लूंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि कोई डेट या कोई मंथ या कोई टाइम फाइनल नहीं है।